छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक द्वारा बिना नाम घोषित हुए ही राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन फॉर्म खरीदने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। भाजपा में जहां अंदर ही अंदर इस बात को लेकर वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब ये मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अब भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा उम्मीदवार बनने की नेताओं में होड़ मची हुई है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी आगामी विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति होने वाली है, भाजपा की सफाया होने वाला है और कांग्रेस की जीत होने वाली है, इसका एहसास हो गया है। इसलिए सब राज्यसभा जाने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाजपा अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है और इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जी को तो इतनी हड़बड़ी थी कि उन्होंने बिना पार्टी से अनुमति मिले फॉर्म भी खरीद लिया। फॉर्म खरीदने के बाद समाचार पत्रों में आज छपा है कि उन्होंने नामांकन पत्र वापस करने की भी कोशिश की, क्योंकि पार्टी में उनके प्रतिद्वंदियों में, राज्यसभा टिकट चाह रहे अन्य लोगों में खलबली मच गई। इसका व्यापक विरोध हुआ और किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर नामांकन पत्र वापस करने की जरूरत पड़ रही है तो इससे भाजपा की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में मंतूराम जैसे नामांकन वापसी के मामले तो मिलते हैं, लेकिन नामांकन फार्म वापस किए जाने का देश के लोकतंत्र के इतिहास में कोई दूसरा मामला नहीं है। लेकिन यह भी कोशिश भाजपा ने की, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े नेता ने की, इससे भाजपा की आंतरिक स्थिति का अनुमान लग जाता है। कांग्रेस का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है? विधानसभा में ये वोटिंग होती है, पूरी प्रक्रिया के तहत क्या कांग्रेस में, जैसा भूपेश बघेल जी ने पहले कहा था कि वॉक ओवर पर रणनीति बनेगी, ये रणनीति कब बनेगी? क्योंकि आज ही नामांकन नाम फाइनल होने वाला बीजेपी से। हमेशा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करती है। हम इस बार भाजपा के नाम पर अंतिम फैसला होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। भाजपा का प्रत्याशी चयन होने के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति वहाँ बनेगी और अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर कांग्रेस की नजर है। नहीं, राज्यसभा प्रत्याशी घोषित करने के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है, केंद्रीय नेतृत्व से बात करना पड़ता है, यहाँ चुनाव समिति में आपको पैनल बनाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया तो अपना ही नहीं आपने, तो कैसे प्रत्याशी घोषित करेंगे? छत्तीसगढ़ का कांग्रेस नेतृत्व सतत राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। आप इस मामले में बिल्कुल चिंता मत करिए, कांग्रेस इसमें पार्टी संविधान के अंदर और पार्टी अनुशासन के अंदर रहकर सही समय पर समुचित कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28, रायपुर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।